कहा जाता है कि धरती पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सकल चराचर में पृथ्वी की माँ का दर्जा दिया जाता है। जन जीवन में व्याप्त व्याधियों के लिए नवरात्र का त्योहार किसी संजीवनी से कम नहीं है। सात्विक आहार और संयमी जीवन हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। कहते हैं कि संसार के नित्य लय और प्रलय के बीच कोई तो ऐसी शक्ति है जो आधार बनकर समूचे ब्रह्मांड को स्थायित्व प्रदान करती है। वो जगत का भरण और पोषण करती है, वहीं समय आने पर संसार का विनाश भी करती है। आज हम उसे नित्य स्वरूपा माँ भगवती अंबिका का नवरात्र के पावन त्योहार पर जानेंगे रहस्य। 9 दिन और रात के पावन संगम को नवरात्र के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर विचरण आती है, क्योंकि धरती को उनका मायका कहा जाता है। उनके पर आगमन की खुशी में दुर्गा महोत्सव को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रों में जहां बाजारों की रौनकें देखते ही बनती है, मंदिरों से गुजरते हुए गली चौबारे माँ के पांव रखते ही गुलजार हो उठते हैं। मंदिर से उठते घंटे घड़ियालों के वे स्वर कानों को राग भैरवी सुनाने लग जाते हैं। माँ को तो वैसे जगत जननी कहा जाता है, लेकिन नवरात्र में माँ भगवती में सी बचपना दिखाई देने लगता है। महिषासुर मर्दिनी जिनके रोष मात्र से ही धरा हिलने और अंबर कांपने लगता है, भक्तों से कैसी नजाकत के साथ साज श्रृंगार कराती हैं कि बस देखते ही बनता है। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार आने वाला, हर दिन लाए खुशियों का त्योहार, इस उम्मीद के साथ आओ भूल के सारे गम। 2023 हिंदू नव वर्ष का हम सब स्वागत करें। हिंदू नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।